हेलो दोस्तों, इस ब्लेंडर बिगिनर सीरीज़ में हम एक फोटो रियलिस्टिक इंटीरियर क्रिएट करने जा रहे हैं। एंड ड्यूरिंग दिस कोर्स हम बेसिक मॉडलिंग, मटेरियल क्रिएशन, लाइटिंग और रेंडरिंग के बारे में सीखेंगे। एंड सीरीज़ के एंड तक आपको एक रियलिस्टिक इंटीरियर क्रिएट करने का एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। ओके, सो इस लेसन में हम किचन एरिया का रेंडर करेंगे। उसके लिए जो हमारे पास पहले से कैमरा है उसकी हम कॉपी लेंगे कंट्रोल डी प्रेस करके। उसके बाद हम आर और जी प्रेस करके उसको रोटेट कर सकते हैं। एंड देन उसको हम सेट एज एक्टिव व्यू कर सकते हैं, तो उस कैमरे से व्यू हमें दिखने लगेगा। एंड उसके बाद हम इसका फोकल लेंथ चेंज करेंगे, ये अराउंड हम 20 to 22 के आसपास रख सकते हैं। एंड थोड़ा सा हम कंपोजिशन ठीक करने के लिए कैमरे को आगे पीछे कर सकते हैं। एंड अभी के लिए हम चेक करते हैं कि अभी सीन में ओवरऑल है क्या, कैसा मटेरियल है जो हमने डाउनलोड किया है। तो एक वाइट वुड है, एक ब्लैक वुड है। तो आई थिंक वाइट वुड की साइड पे हम एक वुड का टेक्सचर लगा सकते हैं। इसके लिए हम पॉलीगन पे जाएंगे और एक ट्री वाले सेक्शन में हमें एक अच्छी सी वुड मिलेगी, इसको हम डाउनलोड करेंगे। तो हम ये तीन मैप सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफ्यूज, रफनेस एंड नॉर्मल। इसको हम इंपोर्ट कराएंगे, ये वुड कैबिनेट सेलेक्ट करके इस पर जो वुड का मटेरियल है तो हम सेलेक्ट करेंगे। इस पर कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करके हम मटेरियल को इंपोर्ट कराएंगे। हमने तीनों मैप्स इंपोर्ट करा लिए हैं। हम देखते हैं इसकी जो वेन्स है वो हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं, इसको हमें वर्टिकल करना है। इसके बाद हम यूवी एडिटर में जाएंगे और जो ये जिसमें हमने वुड अप्लाई करी है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। एडिट मोड में जाके हम यहाँ मटेरियल वाले सेक्शन में सेलेक्ट का ऑप्शन आता है, तो जब हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट पे ये मटेरियल अप्लाई है वो सेलेक्ट हो जाता है। तो हम सारे यूवीज को पकड़ के रोटेट करेंगे एंड ये यूवीज वर्टिकल हो गई। एंड जितने भी इसके साथ मटेरियल आए हैं उसमें सब में स्पेक्युलर वैल्यू 1 है, तो इसको हम 0.5 कर लेंगे। एंड इस थोड़ा सा हम रफनेस एडजस्ट करेंगे। एंड इस पर जो बेस कलर है वो एब्सोल्यूट ब्लैक है, ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है एंड 3D सॉफ्टवेयर में भी। तो थोड़ा सा हम इसको ग्रे की साइड पे ले जाएंगे, या ब्लैक हो या वाइट हो, ना तो प्योर वाइट होगा और ना ही प्योर ब्लैक। थोड़ा सा हम उसको अप डाउन कर सकते हैं। अभी हम चेक करते हैं। ओके, सो वुड ठीक लग रही है, बट यहाँ नीचे वुड अभी रह गई है, इसको भी हमें रोटेट करना पड़ेगा। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड एल प्रेस करेंगे तो उस वहाँ पर हम नीचे मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो बेसिकली वही पार्ट सेलेक्ट होगा जिस पे वो मटेरियल अप्लाइड है, तो हम रोटेट करेंगे। ये भी पार्ट ठीक हो गया है। एंड जो वॉल का पोर्शन है किचन के अंदर, इस पर टाइल्स लगी होती हैं, तो वही पॉलीगन से हम ये फ्री वाली टाइल्स डाउनलोड करेंगे। इसको हमने इंपोर्ट करा लिया, तो इसमें रफनेस नहीं, इसमें ग्लॉसी मैप है, तो ग्लॉसी के साथ यहाँ पे इन्वर्ट लग जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ग्लॉसी रफनेस का जस्ट ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो ये टाइलिंग काफ़ी बड़ी है और इसको हमें रोटेट भी करना पड़ेगा। सो हम चेक करते हैं, आप कंट्रोल बी प्रेस करके रीजन सेलेक्ट कर सकते हो, तो वही पार्ट दिखेगा रेंडरिंग के टाइम में। एंड ये बम्प हम रह गया था, इसको भी हम इंपोर्ट कराएंगे और इसकी कलर यहाँ पे हम इसको RGB से चेंज करके इसको नॉन कलर करेंगे। एंड बम्प मैप लगाने के लिए हमें बम्प नोड यूज़ करना पड़ेगा, उसमें हम बम्प मैप लगा सकते हैं और उसके स्ट्रेंथ कम रखेंगे 0.1 के आसपास।
क्योंकि बम्पी सरफेस है तो इस पर बम्प लगाना थोड़ा सा ज़रूरी है। सो ये हम कैबिनेट के साथ जो एक वाइट मटेरियल है नीचे की साइड पे उसको हम देख लेते हैं, उसको ठीक कर लेंगे। इनके साथ जो नॉर्मल नोड लगा हुआ उसको हटाएंगे और स्पेक्युलर लेवल 0.5 करेंगे। ये वाइट वुड और ब्लैक वुड के साथ अलग अलग मटेरियल हैं तो हम दोनों को ठीक करेंगे। अब ये हम माइक्रोवेव ठीक करेंगे। इस पर आप देख सकते हो ब्लैक ग्लास और मेटल ग्लास ये सारे मटेरियल हैं। इस पर नेमिंग दी हुई है, ये अच्छी बात है, तो उसको हम उसके हिसाब से ट्वीक करेंगे। तो मेटल पे हम मेटालिक ऑन करेंगे एंड रफनेस थोड़ी सी कम करेंगे ताकि इस पर वो मेटल वाला फील आ जाए। ओके, आप देख रहे हो। एंड ग्लास वाले पे हम रफनेस कम करेंगे ताकि ये थोड़ा ग्लॉसी लगे। टैप का मटेरियल हम देख लेते हैं। इस पर भी सेम वही चीज़, इस पर मेटल ऑन होगा स्पेक्युलर 0.5 एंड रफनेस भी हम रख सकते हैं 0.223 के आसपास, क्योंकि थोड़ा सा मेटालिक वाला फील है। एंड ये सेम मटेरियल हम सिंक पे भी डाल सकते हैं क्योंकि अभी हम क्लोजअप शॉट तो निकाल नहीं रहे, तो दूर से ये सही दिखेगा। अब ये स्टोव के पास आते हैं। ये बिल्कुल एक बॉक्स जैसा मॉडल है, तो उस पर इसके ऊपर हम एक स्टोव का टेक्सचर डाउनलोड करके ऊपर से इसको लगा सकते हैं। उसके लिए हम गूगल पर सर्च कर सकते हैं एंड ये टेक्सचर टॉप यूसेज सही है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमने टेक्सचर इंपोर्ट करा लिया एंड इसका यूवी ठीक करते हैं ताकि ये सही साइज़ में इसके ऊपर लग जाए। तो हम स्मार्ट यूवी अनरैप कर सकते हैं यू प्रेस करके, बट अभी इसका प्रोपोर्शन ठीक नहीं आ रहा जस्ट बिकॉज कि इसका स्केल सही नहीं है, तो उसको हम कंट्रोल ए प्रेस करके इसका स्केल अप्लाई कर सकते हैं। अब जब हम इसको अनरैप करेंगे तो इसका स्केल सही आएगा। एंड अभी हम इसको सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा स्केल अप करेंगे, हम यहाँ ऐसे रोटेट कर सकते हैं एंड उस इमेज के हिसाब से इसको हम एडजस्ट करेंगे, फिट कर देंगे। अभी इस व्यू से हम चेक कर सकते हैं, तो यहाँ से तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, बट एक अगर क्लोजअप शॉट ना हो तो ऐसी चीज़ें चल जाती हैं। तो हम बेबल डाल सकते हैं, एजेस बहुत ज़्यादा शार्प हैं, कभी कभी ये वर्क नहीं करता जब बहुत ज़्यादा पास होते हैं दो वर्टेक्स। तो यहाँ पे हम क्लैंप ऑप्शन ऑफ करके इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ये जो एज पे वाइट कलर का पार्ट दिख रहा है ये हम सेलेक्ट करके इसको किसी ब्लैक पार्ट के ऊपर लगा सकते हैं ताकि एज पे ये वाइट पार्ट ना आए। एंड यहाँ नीचे वाला मटेरियल है जो कैबिनेट के नीचे लगा हुआ है बेस, उसको हम थोड़ा सा ट्वीक करेंगे। और अब हम ये टेबल पे टेक्सचर अप्लाई करेंगे, इसके लिए हम वो सेम वुड यूज़ कर सकते हैं जो हमने कैबिनेट पे लगाई है। तो सबसे पहले हम रीनेमिंग कर देते हैं एंड वो वुड कैबिनेट वाला मटेरियल यहाँ अप्लाई करेंगे और इसकी हम कॉपी लेंगे। तो कॉपी लेके हम इसको भी रीनेम करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अभी हम इसको रोटेट करेंगे। ओके, सो अब हम इस पर मार्क करके तो अनरैप नहीं करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। इन बहुत सारी सिचुएशन में ये स्मार्ट यूवी वर्क कर जाता है, तो उसके लिए हम सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एडिट मोड में जाएंगे और सबके पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यू प्रेस करेंगे एंड यहाँ स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे।
ये एक तरीके की बॉक्स मैपिंग होती है, बट रिज़ल्ट काफ़ी सही आ जाता है अगर जल्दी काम निकालना है तो। यहाँ पे हम रेंडर सेटिंग देख लेते हैं, साइकल्स यूज़ करेंगे हम। अगर आपके पास अच्छा जीपीयू है तो आप जीपीयू सेलेक्ट कर लो। एंड यहाँ से हम कॉस्टिक ऑफ करेंगे, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है रेंडरिंग के लिए। एंड बाकी सारी चीज़ें हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। यहाँ परफॉर्मेंस में आप ऑटो डिटेक्ट कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पे जीपीयू शो नहीं कर रहा है तो आप यहाँ जाके सेटिंग में सिस्टम में आप क्यूडा पे सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे जितने भी हार्डवेयर आपके हैं वो शो करेंगे। आपको जिनको भी यूज़ करना है आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अब हम रेजोल्यूशन देख लेते हैं, 1080x1080। एंड रेंडर पासेस हम यूज़ नहीं करेंगे, वो थोड़ी एडवांस चीज़ होती है, हम आगे किसी लेसन में इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो हम चेक करते हैं हमारा रेंडर। तो अभी वुड पे रिफ्लेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मेरे हिसाब से, उसको हम रफनेस मैप के बीच में कलर रैम डालेंगे और इसकी जो ब्लैक वाली वैल्यू है उसको थोड़ा सा वाइट करेंगे ताकि रिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम हो जाए। हाँ, सो ये काफ़ी हद तक ठीक ठाक है, इसको हम ब्रेंडर कर लेते हैं। वुड का मटेरियल काफ़ी सही आ रहा है जो हमने पॉलीगन से डाउनलोड किया। यहाँ इमेज पे जाके आप इसको सेव कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे, बट ज़्यादातर सिचुएशन में जेपीजी पीएनजी चल जाता है। बट अगर आपको प्रिंट करना है तो आप टिफ यूज़ करोगे। उसके बाद हमारा फाइनल लेसन है जिसमें हम फोटोशॉप पे इस रेंडर को थोड़ा सा ट्विक करेंगे, इसको थोड़ा सा और इन्हेंस करेंगे। चलते हैं फिर फाइनल लेसन की ओर।